आ गए मेरे जिगर के छल्लो आरसीएम की दुनिया में। अब आ गए हो तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है इसे टच करके ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज की जानकारी समय पर मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। नहीं चलेगा, आज ये ही चल रहा है, आज ये ही चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है? क्योंकि चलना इसके स्वभाव में है, चलना इसके स्वभाव में है, इसलिए चल रहा है। कितने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा लोग नहाएंगे, लोग धोएंगे, लोग फर्श पे पोछा लगाएंगे, लोग अपनी जिंदगी में चीजों को कंज्यूम करेंगे। कितने लोगों को कहा था, कितने लोगों ने कहा था ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चल रहा है। और कब चल रहा है? जब विश्व युद्ध में भी रेलवे बंद नहीं हुई, वो रेलवे बंद है। रेलवे बंद लेकिन ये बिजनेस चल रहा है, पूरी बसें बंद लेकिन ये बिजनेस चल रहा है, करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट गई लेकिन ये बिजनेस चल रहा है, करोड़ों लोग जिंदगी में अपने व्यापार से हाथ धो बैठेंगे लेकिन ये बिजनेस चल रहा है। थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि चलना इसके स्वभाव में है। और किसी भी व्यापार को, किसी भी नौकरी को चलने के लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत थी, एफर्ट्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन ये बिजनेस आज से 70 वर्षों से ये व्यापार चल रहा है, 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। आज आप खुद इस बात को पता कर लीजिए कि कितने लोग हैं जो इस व्यापार से जुड़कर आज अपनी जिंदगी में और प्रोग्रेस करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता एक प्राइवेट नौकरी जिस पे एक आदमी की आजीविका चलती थी आज वो सिक्योर नहीं रही? गवर्नमेंट जॉब में लोगों को आधी तनख्वाहें सरकारें देने लग रही है। किसी भी बिजनेस की हालत देखो, वो बिजनेस आज तबाह है। किसी भी ऐसे प्रोफेशन की हालत देखो जो लोगों से जुड़कर ही चलता था, आज वो नहीं है। आज लाखों वकील अपने प्रोफेशन पे नहीं जा पा रहे, आज बहुत सारे इंजीनियर अपने फील्ड पे नहीं जा पा रहे, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आज सेवा में तो लगे हैं लेकिन फुल फ्लेश जितना उनकी प्रैक्टिस होती थी वो नहीं हो पा रही, बहुत सारे कंप्यूटर कंसल्टेंट आज अपने जॉब पे नहीं जा पा रहे। दुनिया का हर एक व्यापार धंधा, बड़ा अरबों का व्यापार रियल एस्टेट, पूरा तबाही की तरफ चला गया। कितने व्यापार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। यह बिजनेस चल रहा है और यह चलता जाएगा, क्योंकि यहां किन चीजों की जरूरत थी? यहां एक व्यक्ति अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को लोगों तक सूचना पहुंचाए, सिर्फ ये ही जरूरत थी। और आज ये काम हो पा रहा है। पहले फिजिकल प्रेजेंस से होता था, बड़े बड़े सेमिनार्स में होता था, आज यही काम व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से हो रहा है, आज यही काम जूम एप्लीकेशन से हो रहा है, आज यही काम कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी जरिए से डिजिटली प्रेजेंस से ये काम कर रहा है। आपको ये सोचना चाहिए, जब दुनिया के हर व्यापार धंधे में तबाही आई है और ये व्यापार ऐसे संकट के काल में भी चल रहा है, तो दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को अभी तो शुरू करना ही चाहिए। चाहे पार्ट टाइम ही शुरू करें, लेकिन घर पे अवेलेबल हो अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है और उन प्रोडक्ट से उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्थ और वेल्थ उनको दोनों मिलेगी, तो आपको अब सोचना ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि कितने वर्ष हो गए, 20 साल हो गए इस व्यापार को आज चलते हुए, लोगों को ग्रोथ मिलते हुए, लोगों ने अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि कमाई है, संपन्नता कमाई है, नेम फेम धन दौलत सुख समृद्धि सब कमाई है। आप कब सोचोगे, कब विचार करोगे? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप इस बिजनेस को शुरू करिए और डिजिटली अपने आप को प्रेजेंस में लाके आगे बढ़िए। ये बात थी नए लोगों के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इस GTS के भागीदार हैं। दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज जब मनुष्यता पे बड़ा संकट आता है तो उससे ऊपर की छलांग मनुष्यता तब लगाती है जब उस संकट में अपने आप को नए प्रयोगों के साथ झोंक देवे, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ झोंक देवे। अभी नए प्रयोग क्या है? आज तक आपने कभी कैमरे पे प्रेजेंस नहीं दी, ये नया प्रयोग है। आज तक आप कभी यूट्यूब पे नहीं आए, ये नया प्रयोग है। कभी आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से किसी को प्लान नहीं दिखाया, ये नया प्रयोग है। कभी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया, ये नया प्रयोग है। दुनिया में कोई भी इंसान जब वक्त बदल रहा हो और युग बदल रहा हो तो नए परिवर्तन करोगे तो अगली छलांग लगा के पहुंच जाओगे और जिंदगी में कामयाब होगे। तो आज आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं, नए लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस बिजनेस को शुरू करो
और इस बहुत बड़े संकट के समय में भी पैसा कमा कर दिखाओ, क्योंकि आज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग संकट के दौर में भी पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे उस डिसीजन के ऊपर खुशी हो रही थी जो आज से मैंने 13-14 साल पहले लिया था। अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो आज संकट के काल में लोगों के घरों में पैसा नहीं आ रहा होता। क्यों आ रहा है पैसा? क्योंकि लोग सुबह ब्रश कर रहे हैं, लोग फिर नहारे धो रहे हैं, लोग फिर चाय नाश्ता कर रहे हैं, लोग फर्श पे पोछा लगा रहे हैं। जब तक लोग कंजप्शन करेंगे तब तक ये बिजनेस कभी नहीं रुक सकता। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ इस बिजनेस को जानकारी देने तक की बात है, सिर्फ अपने अंदर नए प्रयोग लाने की जरूरत है। नए प्रयोग करो, नए एक्सपेरिमेंट आपको जिंदगी की अगले लेवल पर छलांग लगा के लेके जाएंगे। तुरंत इमीडिएट लोगों को प्लान दिखाना शुरू करो, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से शुरू करो, जूम एप्लीकेशन से शुरू करो, चाहे फेसबुक लाइव से शुरू करो, यूट्यूब लाइव से शुरू करो। अपने अंदर बदलाव कर लो। एक मच्छर भी नई आला उठाई थी तो अपने अंदर बदलाव किया तब जीवित रहा। आप और हम भी तब इस बिजनेस में जीवित रहेंगे जब नए प्रयोग करेंगे, घर पे टाइम पे